नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप अपना SBI का ATM पिन भूल चुके हैं और घर से ही अगर आप अपना SBI का नया ATM पिन बनाना चाहते हैं या आप पिन को रिसेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले SBI ऑनलाइन लिख के आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर ID पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आपको ई सर्विस लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आ जाने के बाद आपके सामने देखिए ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ATM कार्ड सर्विस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ ATM पिन जनरेट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ इसके अंदर आप दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप OTP के थ्रू कर सकते हैं या फिर पासवर्ड के थ्रू। तो हम यहाँ पे OTP चूज़ कर लेते हैं। आपके रजिस्टर मोबाइल पे OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ लिख लेने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ बैंक डिटेल वगैरह आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका कार्ड ATM कार्ड शो होने लगेगा, और अगर आपका पुराना कोई ATM कार्ड जो एक्सपायर हो गया या फिर दूसरा कोई कार्ड है वो यहाँ शो हो जाएगा, जिसको आप कराना चाह रहे हैं रीसेट, उस पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट में क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ जो आप नया ATM पिन बनाना चाह रहे हैं उसके पहले के दो आप नंबर यहाँ पे लिख लेना है। आप जो ATM का नया पिन बनाना चाह रहे हैं वो लिख लेने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये पेज आ जाएगा, और आपके रजिस्टर मोबाइल में भी आखिरी के दो नंबर आ गए होंगे। आपने जो पहले दो नंबर बनाए हैं और आखिरी के जो दो नंबर आपको SMS में मिला है, उन चारों को आपको यहाँ पे एक साथ लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपका नया ATM पिन जो है ये बन चुका है। और अगर आपके पास बैंक के तरफ से भी जो आपको नया ATM आता है उसको भी आप ऐसे ही नया पिन जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।